तो है फ्रेंड्स, कैसे हुआ आप लोग? तो फ्रेंड्स, ये मसाला बनाने का दूसरा पार्ट है। और पहला पार्ट पे जैसे आप लोग मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट दिए, बहुत अच्छा प्यार दिए, तो ये दूसरे पार्ट को जरूर देखिएगा आप लोग। और इसमें भी आप लोगों को बहुत डिटेल के साथ हम बताएंगे। और साथ में जो है इसमें ये जो नाम है इनका, बाबुद्दीन सिंगर साईं, इनका भी ऑफिशियल चैनल है। जो मेरे चैनल के होम पेज में जाएंगे तो इनका भी चैनल मिल जाएगा, कॉमेडियन चैनल है इनका। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और भाई के चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। तो आप देख लीजिए कि भाई साहब ने मसाला बनाने के लिए पानी जितना लिए हैं, कितना पानी है थोड़ा बताओ भाई। आधा कढ़ाई के करीब। दिखाओ, इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ तक पानी है, ठीक है। तो चलिए पहले मसाला कैसे डालोगे पहले इसमें? मतलब इसमें होगा ना कि जितना नहीं मसाला नहीं बनेगा इसमें? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मसाला किस तरीका से इसमें डालोगे आप? मसाला को पहले इसे वैसे फोड़ दीजिए। नहीं फोड़ेंगे तो क्या होगा? नहीं फोड़ेंगे तो माल ऐसे ऐसे चपटा टाइप का अच्छा नहीं बनेगा। चपटा टाइप का? देखो भाई, ये लड़का को पता है, अभी नया नया आया था तब इसको उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन ये माल बनाते बनाते इसको भी नॉलेज आ गया। अगर ऐसे डालोगे तो रोड़ी रोड़ी की तरह दिखेगा, क्या बाबूदीन? और इसके बाद से जितना ऐसे डालेंगे तो अंदर भी सभी पानी में चला जाएगा, ऐसे डालेंगे तो वो चपक जाएगा, फूटेगा नहीं। हाँ फूटेगा नहीं, और वही जो माल होगा माल खराब हो जाएगा, और काम करना भी मतलब मजा नहीं आएगा, दिक्कत होगी। ठीक है, और ये बताइए कि इसको अगर जो माल को कितना पानी में कितना माल डाले ताकि माल जो फटे नहीं? जैसे अगर इतना पानी है ना, हाँ, तो माल उतना डालना है कि जब माल पानी के ऊपर आ जाए, हाँ, और उसमें धीरे धीरे डूबे, हाँ, धीरे धीरे, हाँ, मतलब डालते ही जैसे अभी ये देखिए, अभी मैं डाल रहा हूँ, माल झट दे अब अंदर चला जाएगा। लेकिन जब वैसा टाइम आएगा जब माल बनाना लास्ट होगा, हाँ, वो माल रुक जाएगा ऊपर, इतना ऊपर रुकेगा, हाँ, इतना जब ऊपर रुकेगा तब आपको माल में हाथ लगाना है। ठीक है, देखिए गाइस, जैसे कि हम भी बताते थे आप लोगों को, और देखो ये रहना चाहिए दोनों, लड़का भी बता रहा है कि जैसे पानी के बराबर माल आ जाए तो समझ लो कि आपका माल जो है पूरा डल गया है इसमें, और इसमें आप लोगों को मिक्स करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए अभी कमी है तो डाल रहा है लड़का। देखिए अब थोड़ा थोड़ा जो है माल आ गया, इधर देख लीजिए इसमें थोड़ा सा और माल डलेगा। जैसे अब देखो मतलब सूख गया माल, अंदर चला गया तभी दोबारा डाल रहा है, तब डाल रहा है। देखिए जैसे इधर आ गया वैसे ही मतलब आना चाहिए, कहीं कहीं भी आ जाए तो हो जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब चारों तरफ इसी तरह से दिखे, रुक जाए चारों तरफ से दिखे, मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखना चाहिए, कहीं कहीं माल समझ लो कि हमने डाल दिए है, एकदम परफेक्ट माल बनेगा। और उसके बाद से इसको हाथ भी मतलब मिक्स करने का भी तरीका होता है, किस तरीके से? थोड़ा हाथ उठा के दिखा दो भाई लोगों को, हाथ देखो इस तरीके से पूरा मतलब मिक्स करनी है इसको। और इसको जल्दी सेटिंग करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी सेटिंग करने के लिए ज्यादा हाथ मतलब थोड़ा तेजी में मारना मिक्स कर दीजिए। देखिए अगर जल्दी सेटिंग करना होगा तो जल्दी मतलब ज्यादा मिक्स कर दीजिए, और आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो तब क्या करना पड़ेगा? खाली थोड़ा सा मिक्स करके जाते हैं ऊपर, वो सब माल जो बच जाता है उसको फिर ऐसे आराम से मिला दीजिए। और जल्दी माल सेट नहीं करना होगा तो उसके लिए कोई ट्रिक? जल्दी माल सेट नहीं करना है तो हाथ को धीरे मारिए, मतलब स्लो मोशन, स्लो मोशन में जितना आप धीरे मारेंगे उतना माल ज्यादा देर तक टिकेगा और माल उतना अच्छा काम होगा। देख लीजिए गाइस, तो ये है मतलब इसको बनाने का प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है आप लोग भी मतलब इस्तेमाल कीजिए, और आपका भी मतलब जो भी मसाला होगा बिल्कुल बढ़िया बनेगा। तो अब इस वीडियो को करते हैं गाइस यही पे एंड। अगर जो कोई भी आप लोगों को इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, आप लोगों को एक और वीडियो बनाकर हम दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जितना चाहिए वीडियो हम बना के देंगे, लेकिन आप लोग माल बनाने के लिए समझिए। तो ये मसाला जो है बिल्कुल गाइस जो है कि अब कभी नहीं है फटेगा मसाला, अगर जो इससे काम होता है तो ये मसाला कभी नहीं फटेगा और नहीं छत से निकलेगा। अगर जो आप लोग गलत तरीके से बनाते हो मसाला तो वही मसाला जो है फट जाता है और निकलता है, और सूखने के बाद से माल जो है दबने लगता है, गार्निश मोल्डिंग चाहे सेलिंग हो। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग बनाइए, और जो मसाला डालना है इसमें बिल्कुल कम नहीं करना है, मसाला ज़्यादा ही डालो थोड़ा सा और कम नहीं करो इसमें। चलिए आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।